gone. He looked a dead duck. So with Patel. Absolutely magnificent. Tony finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. अजमेर क्लब चौराहा दुर्घटनाओं का जोन बनता जा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन यहां वाहन आपस में ना टकराते हों। शनिवार को भी एक लापरवाह सिटी बस चालक ने अजमेर क्लब से निकल रही कार को टक्कर मार दी और बस को मौके पर छोड़कर भाग छूटा। दुर्घटना के बाद कार चालक और परिजन सिटी बस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने का मुकदमा दर्ज कराने की बात पर अड़ गए। हालांकि इस दुर्घटना में कार में सवार लोगों को मामूली चोटें ही आई हैं। हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर शुक्रवार शाम एक लग्जरी कार में आए कुछ बदमाशों ने एक कार में बैठे युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में दो युवक गंभीर घायल हो गए जबकि दो अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो गए। वहीं घायल युवकों को एम्बुलेंस की मदद से अजमेर के जेएलएन अस्पताल लाया गया। घायल भंवर सिंह और पवन सोनी ने बताया कि आनंदपाल सिंह के साथ पुराना जमीनी विवाद चल रहा है। शुक्रवार को ही इस मामले में जेल से जमानत हुई थी और वे अपने गांव जा रहे थे, तभी रास्ते में आरोपियों ने हमला कर दिया। पुलिस ने नाकाबंदी कराकर आरोपियों को पकड़ने की भरसक कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाई। गांव जा रहे थे, एक खोखर आता ना, खोखर से पहले स्कॉर्पियो गाड़ी आई, वो मतलब बिल्कुल आते ही कोई जानवर पे चढ़ वो छिद लगे आड़ी और धड़ बाड़े लगे। फिर एक साथ वाला और था उसको ले गए पकड़ गए। फिर ऐसा बोला कि पहले तो वो भग गया था, अरे वो भग गया। फिर उसको पकड़ के ले गए और फिर हमारे को छोड़ दिया। फिर वो सीधे भग गए। फिर हम नारण मंगलाड़ा चौकी पहुंचे। गोलियां तो उसने फायर किया ना, वो स्कॉर्पियो में थे ना उसने। कितने लोग? वो 5-6 आदमी थे। खादी मोहल्ला इलाके में एक मालिक ने अपनी ही नौकरानी और उसके नाबालिग बेटे के साथ ऐसी दरिंदगी दिखाई कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई। आरोपी ने चोरी का शक जताते हुए नौकरानी के साथ ना सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि उसके नाबालिग बेटे को मलमूत्र तक खाने को मजबूर कर दिया। मामले से पर्दा उठने के बाद अब दरगा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घर में हुई चोरी की वारदात में अपनी नौकरानी का हाथ होने की आशंका से गुस्साए खादिम मोहल्ला निवासी गुड्डू खादिम ने जो कुछ भी किया उसे हैवानियत की हद ही कहा जा सकता है। मामला शुक्रवार देर रात उस समय सामने आया जब भाजपा की पूर्व पार्षद सुलोचना शुक्ला पीड़िता विधवा नौकरानी को लेकर पुलिस के पास पहुंची। पीड़िता ने जब अपनी आपबीती सुनाई तो उसे सुनकर लगा कि इस दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। मालेगांव की रहने वाली पीड़िता के अनुसार वह पिछले 3 महीने से खादिम मोहल्ला निवासी गुड्डू के घर पर बतौर नौकरानी काम कर रही है। पीड़िता की माने तो पिछले दिनों गुड्डू के घर पर चोरी हुई और उसका इल्जाम उसके सिर पर मढ़ दिया गया। इसी के साथ शुरू हुआ दरिंदगी का खेल। पीड़िता के साथ बेरहमी के साथ बलात्कार किया गया और मां और बेटे को मलमूत खाने पर मजबूर किया गया। पीड़िता के पूरे शरीर को गर्म सलाखों से दागा गया। मेरे घर के पास एक महिला है, उसके साथ दरगाह खादिम है कोई, उसने ऐसी बेरहमी से उसे हाथ उसके चोटें आई हुई है, लगी हुई है, जलाया भी है उसे, उसके अंदर शारीरिक चोटें भी पहुंचाई है। यहाँ तक कि उसने वो कह रही है उसके साथ बुरा काम भी हुआ है, पर वास्तव में उसकी स्थिति देखने लायक नहीं है। मेरी तो खुद की हालत बहुत खराब है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बाकी जो भी किया है ये बहुत गलत किया है। एक स्त्री के साथ इस तरह के अत्याचार अब तक हो रहे हैं। मैंने उसको जब पूछा है, वो बेहोशी में मूर्छित थी, उसमें पानी वानी पिला के उसको होश ला के मैंने पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसने किया, तब उसने बताया था कि कोई पप्पू भाई करके गुड्डू भाई है कोई, उसने इस तरह का इसके साथ में किया है। उसकी पत्नी ने और 2-4 और जेंट्स थे, 7 दिन से इसको बंदी बना रखा है इन लोगों ने और इसको बेरहमी से मारा है। इसके सारे दोनों हाथ नीले हो रहे हैं, जवाड़ा भी इसका सूज रहा है और अंदरूनी भी चोटें उसके कपड़ों के अंदर भी है। उसको वस्त्रहीन करके और जलाया है, जगह जगह उसके जले हुए निशान है। तो सर ये जो भी हुआ है, आज भी अगर ये होता है और इसके साथ बेइंसाफी होती है तो महिलाओं को कहीं सुरक्षित नहीं है। आज थाने पे गंज थाने उसकी मदर गई थी, उसके और कोई भी नहीं है, बूढ़ी माँ है वो, बूढ़ी माँ वहाँ गई थी एसपी साहब के पास, उन्होंने उसको दरगाह थाने भेजा था। दरगाह थाने गए तो वहाँ भी उसको बाहर ही लोगों ने डरा दिया, धमका दिया, जैसे उन लोगों को पता चला होगा कि ये थाने में आई है।
तो उसको डांटा कि तो ऐसे बोलेगी तो यूं कहेगी, वो इतनी भयभीत हुई है कुछ बोल नहीं पा रही है, बहुत पूछने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं है, उसको मेडिकल के लिए हम लोग यहाँ लेके आए हैं जेलन। उसको हमने पूछा कि तेरे को क्यों मारा, 7 दिन से तू मार खा रही है, वहां थी तो क्या मुझे पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ में, मुझे बोलते हैं मेरी चीज चुरा के ले गई, ला के दे। उसने कहा मैंने कुछ चुराया ही नहीं है तो मैं कहाँ से ला के दूं। तो उसकी माँ को कहा कि बता कहाँ है, तो उसकी माँ ने कहा कि भाई मेरे बच्चों को आप छोड़ो, तो बोलते हैं कि नहीं हमारा 1 लाख रुपए की चीज इसने चुराई है, वो 1 लाख रुपया तुम ला के दो, उसके बाद ही हम इसको छोड़ेंगे। गंज थाने में हम लोग आए थे, वैभव जी ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और उन्होंने तुरंत गाड़ी में बैठा के हमको यहाँ हॉस्पिटल मेडिकल के लिए भेजा है, पर यहाँ डॉक्टर आर के बॉयल हैं। महिला जो पीड़िता है वो मुकदमा दर्ज करानी है आदमी के खिलाफ? हाँ करवाएगी वो, अब यहाँ हम लोग आए हैं और इसके मुकदमा दर्ज करवाएंगे, और इस तरह से अगर औरतों के साथ अत्याचार होता रहा और इसकी सुनवाई नहीं होगी तो इसके लिए आगे भी कुछ करना पड़ेगा, तो मैं आंदोलन करूंगी। मामला सामने आने के बाद दरगाह थाना पुलिस ने आरोपी गुड्डू के खिलाफ आरोप पंजीकृत कर पीड़िता का मेडिकल करवाया है। पुलिस अब पीड़िता के 164 के बयान लेने की तैयारी कर रही है, बयानों के बाद ही आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर धाराएं पंजीकृत की जाएंगी। वहीं अब आरोपी गुड्डू ने पीड़िता के खिलाफ भी 1 लाख रुपए के गहनों का चोरी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस दोनों ही मामलों में जांच कर रही है। कल दरगाह थाने पर पीड़िता ने एक मुकदमा दर्ज कराया है कि वो लगभग 3 माह से एक खादिम के यहाँ जो गुड्डू करके है उसका झाड़ू पोछा और सफाई बर्तन का काम करती है, और उसके साथ खादिम ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसके साथ घर पर बंधक बना के रखा और मारपीट की और दुष्कर्म का भी उसने आरोप लगाया है खादिम पर। दूसरी तरफ से खादिम ने भी एक आपने प्रकरण दर्ज कराया है दरगाह थाने पर, उसमें उसने लगभग 4-5 तोला सोने के आभूषणों को जो उस मामले में पीड़िता है उसके द्वारा चोरी करना बताया। दोनों प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं, दरगाह थाना SHO इनकी तफ्तीश कर रहे हैं और अनुसंधान जारी है। केंद्रीय कारागृह में जेल प्रशासन की सतर्कता के चलते नशे की खेप के साथ जेल के ही एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जेल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत विजय कुमार पिछले लंबे समय से बंदियों को नशा सप्लाई कर रहा था। शुक्रवार रात भी विजय कुमार नशे की खेप के साथ जेल में प्रवेश कर रहा था, तभी चेकिंग के दौरान उसके मोजे में छुपी गांजे की पुड़िया पर जेल प्रहरियों की नजर पड़ गई। जेल प्रशासन ने विजय कुमार को सिविल लाइन थाना पुलिस को सौंपा है। थाना अधिकारी हनुमाना राम विश्नोई के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी नशे की खेप लाता कहां से था और इसे सप्लाई कौन करता था। पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में जेल के कुछ और कर्मचारी भी लिप्त हो सकते हैं, आरोपी से पूछताछ में उनके नाम भी सामने आएंगे, क्योंकि जेल में हथियार और नशे का सामान बिना जेल कर्मचारियों की मिलीभगत के पहुंचना संभव नहीं है। जेल डिप्टी साहब की तरफ से एक रिपोर्ट में मुलजिम माल के पेश हुई, जिसमें विजय कुमार नाम का सफाई कर्मी है जो चोरी छिपे जेल में बंदियों को नशीली चीजें सप्लाई करता था, जिसमें इससे 7.750 मिलीग्राम गांजा जब्त हुआ है जी, और जिस पर अब जांच जारी है। ये माल कहां से लाया, किसको देने के लाया था, इन बिंदुओं पर जांच की जाएगी।